चलिए अब टेक्निकली मार्केट की स्थिति कैसी है इस पर एक और राय ले लेते हैं। हमारे साथ एंजल ब्रोकिंग के चीफ टेक्निकल एनालिस्ट समित चौहान जुड़ गए हैं। समित, गुड मॉर्निंग, आपकी सलाह क्या होगी आज निफ्टी में क्या ट्रेड लें? गुड मॉर्निंग अर्चना। देखिए, डायरेक्शनली अगर बात करें तो ज्यादा मार्केट में चेंजेस आए नहीं है। अभी भी आपको ऊपर की तरफ सेलिंग प्रेशर ही दिखेगा। देयर इज अ क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस, देखिए 10,470, 10,500, 10,600, ये काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो आपको ऊपर मार्केट अटकता हुआ ही दिखेगा। बट फिलहाल ना एक दो दिन की अगर बात करें तो कुछ हेवी वेट जैसे आईटी स्टॉक्स ने कल एक अच्छी खासी हमने रैली देखी थी। रिलायंस कल स्ट्रेंथ दिखा रहा था, सन फार्मा में एक अच्छा क्लोजिंग आया, तो उसके चलते हमें लगता है कि एटलीस्ट ये थोड़ा मूव और एक्सटेंड हो सकते हैं। ज्यादा एग्रेसिव यहाँ पे लॉन्ग्स मत कीजिए, ऊपर की तरफ प्रॉफिट भी बुक करने चाहिए। बट अगर मुझे कोई ट्रेड लेना है इंडेक्स में तो यहाँ पे मुझे लगता है 10,350 का अच्छा सपोर्ट है। तो अगर फ्लैट टू नो माइनर आपको थोड़ा करेक्शन अगर फर्स्ट आवर में मिलता है तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। 10,350 स्टॉप लॉस रहेगा और 10,470 का टारगेट रहेगा। ओके, तो 10,470 के टारगेट के लिए आप तेजी की पोजीशन ले सकते हैं, लेकिन समित ने जो कहा उस पर ध्यान दीजिएगा। माइनर करेक्शन पर आप खरीदारी करेंगे और याद रखिए 10,355 कल दिन का लो था और वहीं पर सपोर्ट मार्केट ले रहा है 10,350, इसीलिए आज का स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा वो अहम लेवल। समित, फटाफट बताइए कौन से स्टॉक्स आप रेडार पर रखेंगे, कहां पर ट्रेड के मौके दिख रहे हैं आज? देखिए, जैसे मैंने बताया कि रिलायंस में कल एक अच्छा क्लोज आया हुआ था, तो उसमें हमें लगता है कि थोड़ा मोमेंटम और एक्सटेंड होगा। टारगेट 945, स्टॉप लॉस 919। दूसरा पीएसयू बैंक में कैन बैंक, जो लास्ट दो तीन दिन से कंसर्ट हो रहे हैं, बट हमें लगता है एक और उनमें मुंह आने का बाकी है अभी भी, तो यहाँ पे 293 का टारगेट कैन बैंक के लिए रहेगा और 274 का स्टॉप लॉस। चलिए, तो ये फिलहाल तेजी के दो आइडियाज आते हुए। आरआईएल जिसका जिक्र समित कर रहे हैं 945 का टारगेट, और हम आपको एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर दे दें कि जो आप